बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का नवंबर वादा देख रहे हैं 5378 पर कारोबार कर रहा है, 5410 का हाई लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में वायदा बाजार के अंदर भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनता हुआ नजर आया है। सोयाबीन की कीमतों में वायदा बाजार के अंदर एक हल्की तेजी बनती नजर आ रही है। दरअसल विदेशों में सोयाबीन की थोड़ी कमी देखने को मिली है और कीमतें भी जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिली है अच्छी डिमांड के चलते, जिसकी वजह से उसका असर भारत में सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी का रिफ्लेक्शन हम सोयाबीन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। और बात की जाए यहाँ से अगर फिज़िकल मार्केट, तो फिज़िकल मार्केट में सोयाबीन का दाम काफ़ी ज़्यादा नीचे है, MSP से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में जो कृषि मंत्री का विधानसभा है वहाँ पर सोयाबीन का दाम 1700 रुपये प्रति क्विंटल कल के डेट में देखने को मिला था, यानी बीते सत्र में सोयाबीन का वहाँ पर जो दाम था वो 1700 रुपये क्विंटल था सबसे नीचे में। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा के क्षेत्र में हरदा में वहाँ पर सोयाबीन का दाम ये देखने को मिल रहा है, तो सोयाबीन का हाल अब आगे क्या ही होगा। लेकिन किसानों ने पूरी की पूरी रणनीति बना ली है, किसान एकदम डट के तैयार हो चुके हैं कि वो सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी लाकर ही छोड़ेंगे, और ऐसा लग भी रहा है कि सोयाबीन की कीमतों में आगे जाके अब तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। चाहे आंकड़े कुछ भी कहें, कि चाहे कुछ भी कहा जाए कि उत्पादन के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि रकबे में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है कि ये जो उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे कि जो बड़े व्यापारी हैं किसानों से सस्ते में उनकी सोयाबीन खरीद कर हड़प कर किसानों की सस्ते में सोयाबीन खरीद कर और हड़प कर अपने पास रख लें और बाद में उसी को महंगे तेल के दाम के रूप में बेचें, बाद में उसी का सोयाबीन को महंगे उत्पाद बनाकर या फिर महंगा तेल उसका बेचें। क्योंकि किसानों को पता है कि जब भी उनकी फसल आती है कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़रूर आता है, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे व्यापारियों की तरफ से हो, कि उनकी फसलों के दाम कहीं ना कहीं कम हो ही जाते हैं। और किसानों के साथ ये पहली बार ऐसे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, किसानों को काफ़ी पहले से ऐसी चोटें लगती हुई नज़र आ रही है, लेकिन किसानों ने इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो अपनी सोयाबीन में तेज़ी लाकर ही छोड़ेंगे और अपनी सोयाबीन नहीं बेचेंगे। तो एक तरफ से देखा जाए तो किसानों ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है ये, क्योंकि किसानों की जो सोयाबीन की जो फसल है वो भारी बारिश के चलते भी ख़राब हुई है, और दूसरा जब सरकार ने सोयाबीन खली के आयात का फैसला लिया है उसकी वजह से भी सोयाबीन का जो दाम है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आया है। सरकार ने सोयाबीन की MSP 3950 रुपये प्रति क्विंटल तय की हुई है, लेकिन किसानों को MSP भी नहीं मिल पा रही है। तो अब जब MSP नहीं मिल रही तो भला किसान अब इसमें रुचि क्यों दिखाएंगे और अगली बार सोयाबीन का उत्पादन क्यों ही करेंगे, किसानों का एक सवाल ये भी है। तो अगर किसानों को MSP या फिर उनकी लागत नहीं मिलती है जितना उनका नुकसान हुआ है, तो सोयाबीन का हो सकता है कि इस बार भले ही उत्पादन ज़्यादा बताया जा रहा हो लेकिन अगली बार कहीं इसका उत्पादन कम ना होता हुआ नज़र आए, क्योंकि जब किसानों को दाम ही नहीं मिलेंगे तो किसान भला ही इसमें नुकसान उठाना क्यों पसंद करेंगे, सब अपना मुनाफा चाहते हैं। अगर व्यापारी स्टॉकिस्ट अपना मुनाफा चाहते हैं तो किसान भी आत्महत्या नहीं चाहता है, किसान भी अपना मुनाफा ही चाहता है, किसानों को भी अपना घर परिवार का पेट पालना पड़ता है। तो किसान भी अब अपनी फसल नहीं बेचेगा, 10,000 से नीचे तो नहीं बेचेगा, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और दूसरा, अगर MSP नहीं मिली, किसानों की लागत नहीं निकली, तो किसान भी अब अगली बार से सोयाबीन नहीं उगाएंगे, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और अगर किसान ऐसा करते हैं, सोयाबीन नहीं उगाते हैं अगली बार में जब इसकी अगली बुआई होगी, तो हो सकता है कि जो भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हासिल करने का जो सपना देख रहा है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाए। तो सरकार को भी किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को लाभ हो सके और किसानों को उनकी परेशानियों से उठाना चाहिए। सरकार के काफ़ी ज़्यादा स्कीमें लॉन्च करी हैं जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन मौसम पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन MSP देने पर है और बीजों की सप्लाई कराने पर इन पर जोर है। तो किसानों को अगर बुआई के समय अच्छे बीज मिलते तो हो सकता है कि जो सोया खली का जो आयात का जो फैसला है वो ना लेना पड़ता और सोयाबीन के भी दाम किसानों को अच्छे मिल रहे होते और पोल्ट्री इंडस्ट्री भी संकट में ना आती। तो अब किसानों ने ठान ली है सोयाबीन में किसान अब तेज़ी लाकर ही छोड़ेंगे। ज़्यादातर किसान अब अपनी सोयाबीन धीरे धीरे स्टॉक करके रख रहे हैं।